दोस्तों हमारा लाइफ है ना, जीवन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब हम नहीं जानते हैं। भले ही हम ओवाकार दिन प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उसका पीछे का जो रीजन होता है वो बहुत ही कम ही लोगों को मालूम होती है। जैसे क्या आप जानते हो कि हमें नींद क्यों आती है? क्या आपको पता है कि जब हम दूध में कोई खट्टे पदार्थों को डालते हैं जैसे नींबू वगैरह को, तो दूध फट क्यों जाता है? और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों ये है कि इंसान आखिर बूढ़ा क्यों होता है? ऐसे दोस्तों जितने भी आपके दिमाग में सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नंबर वन, हमें प्यास क्यों लगती है? मतलब हाई डू वी फील थर्स्टी? दोस्तों प्यास हम सभी को लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें प्यास क्यों लगती है? नहीं ना, तो चलिए जानते हैं। जब किसी कारण से हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तो हमारे शरीर में उपस्थित थर्स्ट सेंटर गले को मैसेज भेजता है, जिससे गले में सिकुड़न पैदा होती है, और इस सिकुड़न पैदा होने की वजह से गले सूखने लगता है और दोस्तों हमें प्यास की एहसास होने लगती है। दोस्तों इसका दूसरा रीज़न ये है कि जब भी हम कभी नमक का अधिक सेवन करते हैं या अधिक नमक वाले भोजन का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है। इसीलिए हमें पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्यास लगती है। नंबर दो, खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है? मतलब भाई ब्रस्ट मिल्क एग्जैकुलेशन, दूध में अभी आप खटाई डालो तो आप कुछ समय बाद पाओगे कि दूध पूरी तरह फट चुका है, या आपने ऐसा किया भी होगा या देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थिंक करने वाली बात यह है कि आखिर खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है? तो इसका रीजन ये है कि दूध में बसा कार्बोहाइड्रेट, आक्रमणिक लवण, केसिन तथा लैक्टिक एसिड जैसे अनेक रासायनिक पदार्थ मिली हुई होती है, और खटाई या जो हम दूध में खट्टे पदार्थ डालते हैं जैसे नींबू वगैरह, उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, और दूध में वसा तथा केसिन मौजूद होने के वजह से दोनों आपस में मिलकर थक्का बना लेता है। इसलिए कोई भी खट्टा पदार्थ जब हम दूध में मिलाते हैं तो लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए दूध फट जाता है। नंबर थ्री, गोल गोल घूमने पर हमारा सिर क्यों चक्कराने लगता है? जब भी हम गोल घूमते हैं तो हमारा सिर चक्कराने लगता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल बात यह है कि जब भी हम कभी गोल गोल घूमते हैं तो हमारे कानों में उपस्थित संवेदनशील द्रव भी घूमने लगता है, और यह द्रव ही हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, और जब हम घूमना बंद भी करते हैं तो भी यह संवेदनशील द्रव घूमता ही रहता है। इसी वजह से जब भी हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारा माइंड चेक कराने लगता है। नंबर फोर, इंसान बूढ़ा क्यों होता है? मतलब हाई टू ह्यूमन ग्रो ओल्ड। दोस्तों अब आ गया सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो ये है कि इंसान आखिर बूढ़ा क्यों हो जाता है। कितना अच्छा होता जब हम हमेशा हमेशा के लिए जवान रहते हैं, यंग मैन रहते हैं, है ना? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों इसका रीजन ये है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम काफ़ी छोटे होते हैं, और फिर हमारा शरीर धीरे धीरे विकास करता है और हम जवान होते हैं, और फिर हमारा शरीर धीरे धीरे विकास करता है और हम अब की बार जवान से बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर आखिर सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर हम बूढ़े क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसका मेन रीज़न ये है कि हर एक इंसान के शरीर में समय समय पर कुछ न कुछ तो परिवर्तन होता ही है, उसके साथ साथ अनेक प्रकार के जैविक क्रियाएं भी होती है, जिसमें बहुत से कोशिकाएं मतलब जो सेल्स होती है वो हमें जवानी का एहसास दिलाती है, और उसमें कुछ सेल्स बनते हैं तो कुछ नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इन कोशिकाओं को बनना दोस्तों ज़्यादातर कम ही हो जाती है। दोस्तों कम इसीलिए हो जाती है क्योंकि आप पूरी तरह पौष्टिक आहार का सेवन नहीं कर पाते हो, इसी वजह से इंसान बूढ़ा हो जाता है। और वैसे भी वो कहावत भी आपने सुनी ही होगी,
कि अगर घोड़ों को समय समय पर दाना और मनुष्य को पौष्टिक खाना लगातार मिलता रहे तो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। नंबर 5, मनुष्य को नींद क्यों आती है, मतलब भाई डूबी नीट स्लीप। तो दोस्तों इसका मैं सीधा वैज्ञानिक रीजन बताता हूँ, ध्यान से समझना। दोस्तों वैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि जब हम कमरे की लाइट को बंद करके सोने के लिए जाते हैं और आंखें बंद करते हैं तो उस वक्त हमारे माइंड से दोस्तों अल्फा वेव्स निकलती है जो हमें नींद की तरफ ले जाती है, और इस वक्त हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाता है और कुछ ही चरणों में हमें नींद आ जाती है।